एक दो तीन चार, ये ले। पिलर नहीं चाहिए मुझे, ये ले। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, सब देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। दिल से गहराई, दिल की गहराइयों से आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो जी, ईद की तैयारी तो मेरी हो चुकी है। ये देखिए मेरा ड्रेस भी, आप देख सकते हैं, फोटो मेरे शूज ना देखना। तो आप आ गए ईद की नमाज पढ़ के? हाँ जी, मैं आ गया। तो जी, मेरा ड्रेस आप देख सकते हैं, मैंने जो है जो ड्रेस पहना हुआ है, इसका जो है रेड का येलो के साथ कॉम्बिनेशन है। और इसकी जो बाजू है, ये देखिए सी ग्रीन कलर में है, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है ये। तो जी, मेरा ड्रेस आपको ईद का कैसा लगा? और इसके साथ साथ अभी मैंने तो ये देखें, मैंने रिंग ली थी अपने ड्रेस के साथ ही, बहुत प्यारी सी क्यों सी मुझे ये आईने वाली शीशे वाली रिंग मिली, बहुत अच्छी लगी मुझे ये देखें। तो जी, अभी हम जो है रेडी हो गए हैं ईद के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और जी, मेहरान भी जो है नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं ईद की। अब हम सेवैयाँ खा रहे हैं, तो सेवैयाँ हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में सेवैयाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो पिछली दफ़ा मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको दिखाऊँगी कि हम सेवैयाँ जो है कैसे बनाते हैं। आ जाइए वीडियो में हमारे साथ। तो जी, हमारे घर में सेवैयाँ जो है कैसे बनाई जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारी जो मेरी सासू माँ हैं वो किस तरीके से सेवैयाँ बनाती हैं, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये जी बॉयल सेवैयाँ हैं, बाजार से पैकेट वाली जो मिलती हैं, उनको सेवैयाँ को ले लिया था और जी उनको बॉयल कर लिया हमने इस तरह से। और ये बड़ी बात है कि वो जब सेवैयाँ को बॉयल करते हैं तो वो आपस में चिपकती नहीं है, वरना अगर हम करें तो वो चिपक जाती है। ये देखिए, ये अलग अलग आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह से। और इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं, ये है मेरे पास छुहारे। हाँ जी जी, बिल्कुल, तकरीबन 4 घंटे पहले हमने दूध में डाल के इसको इतना पकाया, इतना बनाया, इतना पकाया कि ये बिल्कुल गल कर जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे खोए हो, इस टाइप का इसका जायका हो जाता है। ये बहुत ही मज़े की, फिर ये जो फीकी सेवैयाँ होती हैं इनके साथ इनको मिक्स करके जो है, ये देखिए इस तरह से मैं इसको इनके साथ, ये देखिए कितनी लंबी लंबी है, तो ये इस तरह से इसमें मिक्स करके, तो जी ये देखिए छुहारे जो है वो बिल्कुल गले हुए हैं, उनमें कोई वो नहीं है। और ये इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी, क्योंकि जब हमने बिल्कुल फ्रेश बनाई थी तो उस टाइम जो है ये बिल्कुल खोए की तरह पतली थी, अभी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। ये जो छुहारों का जो है खोया है वो पड़ा पड़ा जो गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको खा के दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें दूध भी ऐड करती हूँ अभी, पहले मैं 1 चम्मच खा लूँ। मोटो खाई जा रही है। क्या खाई जा रही है? सुबह से अभी मैंने सिर्फ एक निवाना खाया। और जी, मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा दूध, ये देखिए इस तरह से क्या, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और ये जो अमीजा है इसका, ये बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाएगा, तो हमें खाने में आसानी होगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम खदीजा इन्फो यूट्यूब फैमिली, मेरी तरफ से भी आप सब देखने वालों को ईद मुबारक, ओवरसीज को भी खास कर। तो मैडम जी लगी हुई हैं अपने मिशन पे। हाँ, आपने तो मिशन पूरा कर लिया ना, खुद खा कर आ गए हैं। मैंने तो पहले इसलिए खाई है क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ना था ना। आपने कहा पीछे आ जाओ। सही है, ठीक है। तो जी, मैं सेवैयाँ खा रही हूँ, वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो खाएं। खा लो, खिला दो। नहीं नहीं, ऐसे खुद खाएं। जी, क्या आपको हाल दिखाते हैं?
ये देखें जी मैडम के हाल, ईद वाले दिन भी ये हम लाइट इधर से ऑन कर लें। हेलो हेलो मैडम जी, क्या टाइम हो गया? ईद वाले दिन भी आराम? टाइम तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, व्लॉग भी कंप्लीट नहीं किया। उठ जाएं चलें कहीं घूमने फिर। क्या ईद वाले दिन थक ही गए हैं, बंदा उठता है कोई घूमता फिरता है। हाँ उठो। आंखें भी खोलो थोड़ी। ईदी भी मिल जाती है। हाँ जी मैडम जी, उठ जाए। मैं तो उठी हुई, चले जहाँ चलना आपने। मैं कहता हूँ आज डिनर ना बाहर करते हैं। जी जरूर, लेकिन उससे पहले कल चीजें दें। अब ये नहीं है कि आप, मैं आप ये सोच रहे मैं डिनर पे ले जाऊँगा तो मेरी ईदी से जाँच हो जाएगी, तो वो तो मैं पहले ये कर फिर जाऊँगा। खर्ची भी दे देते हैं, नो टेंशन, वो देंगे फिर से। वो देंगे, चले ये ले। ईद की खर्ची क्या हो गया आपको? मोबाइल कितनी हो आप बोले निकाल दी, मुझे मैं खुद ही निकाल लेती। क्यों भाई है ना निकाली हुई? नहीं वैलेट में नहीं दे सकता। ऐसे बोलो कितनी चाहिए। तीस देख देख देखें जी, ये तीस से कम आती नहीं है। शॉपिंग भी 30 की और खर्ची भी 30 की। मेरी तबीयत इतनी अवजा हुई बैठी है ना, तबीयत खराब है, पता नहीं सुबह से मसरूफियत काम ये वो, तो अजीब सी तबीयत हो गई है। तो नहीं कोई जायज बात करो, ठीक है। हाँ लिमिट चलिए आपके लिए 25। हाँ भाई मैं इतने नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। इधर किधर? एक मिनट मैं फ्रंट कैम ऑन कर लूँ। हाँ जी चौधरी जी मैं आ गई हूँ, सीधी देने के लिए। ये मैंने 10 पहले भी दिए, अभी भी दे रहा हूँ, ये बहुत है। ले 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 ले। और क्या हो? 25 तो दें, जो 30 नहीं देने तो 5 लेस कर दिए। इतने वाले दिखाएं, मैं अभी निकाल लेती हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितने वाले होंगे मैं निकाल लूँगी। वैलेट मैं नहीं दिखाता, ये पकड़ना मेरे पास। जितने होंगे मैं निकाल लूँगी, आप देखो दिखाएं। मैं देता हूँ चल ना दिखाओ ना क्या। हाँ इधर देखे तो सही कितने हैं आपके वाले। नहीं नहीं दिखाने इधर नहीं। एक दो तीन चार ये ले। इधर नहीं चाहिए मुझे। ये ले क्या है यार है? ईदी मांग लियो, खैरियत नहीं मांग लिया। $10,000 हो गया। आप खुश? नहीं
प्लीज ले लो यार, प्लीज खदीजा इनको ले लो ये भी कम है। कितने चले ना मेरा 25 ना आपका 15 है ना, ये 10 है, 10 10,000 बस 20 करते हैं ठीक है। क्या 20 मेरे शानू की भी तो है ना बीच में, उसकी भी तो बनती है ना ईदी, चलो थोड़ा बहुत लेस कर दें। नहीं 10 नहीं है, अब 15 काफी है, जल्दी दें चले, टाइम होता जा रहा है। तो जी फ्रेंड्स हम डिनर के लिए बाहर भी जा रहे हैं, तो पता है क्या आज ही मुझे जो है सिर्फ डिनर से ही काम चलाने वाली थी कि आज मैं इसको खर्ची ना देनी पड़े, और जी मैं 15 डिनर का कह के अपना काम चला लूँ। 15,000 ले भी लो नहीं तो इसलिए बड़ा बड़े होशियार हैं, कितनी जिद करती है। मैंने कह रही पहले आप मुझे ईदी दें फिर मैं आपके घर के भाई चलूँ, अपनी बात मनवा के रहती है हर मतलब। 15,000 बहुत है, नहीं नहीं सारे देखने वाले कहेंगे इसका हस्बैंड इतना कंजूस। कितने हो? 10 लास्ट 25 ठीक है, फिर लास्ट 20 सही है? नहीं दो और दे देता, दे दें बस पूरे करें फिर हम चलें, देर हो रही है जल्दी करें दें। ये 17,000 ओके ये देखें जी काउंट कर लूँ मैं। हाँ अब कितनी खुश हो गई हैं, देता हूँ ठीक है बाय चल के देंगे जो थे यही थे ठीक है। हाँ अभी देखें चेहरे पे हंसी नहीं रुकेगी, अभी बड़ी खुश हो। चलिए जी थैंक यू सो मच, मेरी ईदी तो मुझे मिल गई है, और आप सबकी ईदी कितनी बनी है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी तो माशाल्लाह से 17,000 बनी है, लेकिन अभी 3,000 इनसे मैंने वो देना है, वो मैं बाहर जाके दे दूँगी, वो मेरा मसला है, मैंने शायद नहीं देना है। तो आप भी अपनी भाइयों से हस्बैंड से ऐसे ईदी दिया करें क्योंकि इनका हक बनता है हमें देने का। अच्छा जी हाँ जी चलिए ठीक है, तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।